नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप अच्छे और बेहतर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जीएस की ये दूसरी सीरीज है। कल हम लोग पार्ट वन पढ़े थे, ये पार्ट टू है। इसमें हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, जैसे कल किए थे। चलिए ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ पर लिखा गया प्रमुख पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण वेतन। पता है राष्ट्रपति साहब का जो वेतन है इस समय 5 लाख रुपया है। कितना है? 5 लाख रुपया। उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है, पता है इनका तो वेतन 0 होता है, लेकिन ये पाते हैं 4 लाख रुपया। ये पाते हैं राज्यसभा के सभापति होने के कारण, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति के लिए एक पद होगा, 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। तो जो सभापति होता है ना, उसी के लिए इनको पैसा मिलता है। और अनुच्छेद 65 कहता है कि पता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कार्य करने में असमर्थ हो जाए तो 6 महीने तक, कितने महीने तक? 6 महीने तक उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यभार देख सकता है। समझ पाए? अगला आते हैं बाबू, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इनका भी तनख्वाह 4 लाख है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा की सभापति दोनों की तुलना एक जैसे होती है। अगला आता है बाबू राज्यपाल। अलग अलग राज्यपाल, अलग अलग राज्य के अलग अलग राज्यपालों का अलग अलग वेतन होता है, लेकिन औसतम जो वेतन होता है राज्यपाल का, कितना मेरे भाई? 3,50,000। और आपको पता है कि राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, ये सभी लोगों को बनने की न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। आपको पता होना चाहिए। अगला देखें, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका वेतन जो है 2,80,000 है। इस समय DY चंद्रचूड़ है, 50वें मुख्य न्यायाधीश है। समझ पाए? और 2019 में अधिनियम आया, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, टोटल 34 न्यायाधीश होंगे। कितने न्यायाधीश? 34, जिनमें से मुख्य का जो वेतन है 2,80,000, जबकि अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है 2,50,000 है। और भारत में जो न्यायालय व्यवस्था है एकीकृत है और अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये जानना पड़ेगा। आगे के देखिए, जो उच्च न्यायालय होते हैं, तो भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25, और एक सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में है और उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 में है, और दिल्ली हाई कोर्ट का जो उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 241 के तहत आता है। उच्च न्यायालय पे जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, जैसे मुख्य न्यायाधीश का तो तनख्वाह 2,50,000 है और अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपया है। और आपको पता होना चाहिए कि 25 हाई कोर्ट तो है तो ठीक है, लेकिन अलग अलग न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भी अलग अलग होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलग होंगे, जबलपुर हाई कोर्ट में अलग होंगे, नैनीताल हाई कोर्ट में अलग होंगे, पटना हाई कोर्ट में अलग होंगे। ये बातें आपको कुछ समय के बाद आपको बताई जाएगी। अगला हम लोग का होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षा, जिसको कैग बोलते हैं। इनका भी वेतन है 2,50,000 रुपया। मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका भी वेतन है 2,50,000 रुपया। और जो महानिवादी होता है, इनका भी वेतन होता है 2,50,000 रुपया। कभी कभी इससे कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं आता है बट कभी कभी आ जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबको पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। ये तो गजब की पॉइंट है, बहुत ही गजब और निराली पॉइंट है। समझने की कोशिश करिए और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पता है मित्र, जो राष्ट्रपति साहब होते हैं, इनको शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किस अनुच्छेद के तहत? तो 60 के तहत। और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उसी तरह से उपराष्ट्रपति साहब को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति साहब, और ये अपना त्यागपत्र भी देते हैं राष्ट्रपति को। राज्यपाल को पता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है जिस राज्य में रहेगा, और इनकी नियुक्ति, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति साहब को। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं,
इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और ये त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। जो प्रधानमंत्री जी होते हैं इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। उसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, ये दोनों को दोनों बाबू शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों नहीं शपथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष जो बनते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो बनते हैं लोकसभा के सदस्य ही बनते हैं, और ये जो होते हैं सदस्य पहले से ही शपथ ले लिए होते हैं, तो इसलिए शपथ नहीं लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, कोई नहीं दिलाता है। लेकिन हाँ, ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष साहब किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे, इस बात को जान लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं, देखिए बाबू ये कितना हिट्स पॉइंट और बहुत तगड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए कह रहा है कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। ट्रांजेनिक खेती मतलब गोबर की खेती से, गोबर की खाद से खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम, राजधानी गंगटोक, ये भारत का 22वां राज्य है, और ये 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में बनाया गया। ठीक है, और ये ठीक है, अच्छी बात, बहुत कुछ है आगे बताया जाएगा। अगला देखिए, सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। सूचना का अधिकार क्या है, तो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि भारत के हर एक नागरिकों को जानने का अधिकार है। क्या जानने का अधिकार है, ये सब सूचना का अधिकार जब आपको पढ़ाएंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब ये नियम पारित हुआ, उस समय उसमें बताएंगे कुछ ही समय बाद। ठीक है, कुछ समय बाद को मतलब नेक्स्ट टाइम वीडियो जब आएगा। वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा, इस समय तो वैट खत्म हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स। विश्व बैंक को कार्बन क्रेडिट बेचने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, और सबसे साक्षर राज्य कौन है, केरल है। प्लास्टिक पर बैग, प्लास्टिक जो बैग होता है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल है। मृतक लोगों की जनगणना करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मिड डे मील, देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को, 1 से लेकर जो 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं उनको भोजन मिलता है, और ये लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य मुंबई, मुंबई का मतलब महाराष्ट्र। रोजगार मनरेगा बाबू चालू करने वाला पहला राज्य जो है महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। देखिए मनरेगा अलग है और नरेगा अलग है, नरेगा का ही नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, तो मनरेगा मतलब रोजगार गारंटी योजना की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये हम लोगों का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। समझ पाए, अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं। देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा चंद्रयान लॉन्च कर दिया गया है, तो भारत की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट है। 19 अप्रैल 1975 में रूस के वायकानर द्वीप से प्रक्षेपित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र हिमांतरी है। आर्कटिक आपको मालूम है कि एक महासागर है। अगला देखें, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 11 मई को विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। आपको मालूम है 11 मई को राजस्थान के पोखरण में भारत परमाणु परीक्षण किया था, इसीलिए 11 मई को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। और सीवी रमन है, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी बाबू, और सीवी रमन जी के जन्मदिन पर भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। समझ पाए, सिलिकॉन वैली एवं साइंस सिटी किसे कहते हैं, बेंगलोर को कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम है राकेश शर्मा, ये साहब 1984 में गए थे, और इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि वहां से भारत कैसा दिखता है, तो इन्होंने कहा था कि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, मतलब सबसे अच्छा हम लोग का देश है।
ठीक है, सबसे बेहतर पता है, जो दूसरे देश में पैदा होता है वो तरसता है कि काश मेरी पैदाइश इंडिया में हो गई होती, भारत में हो गई होती। तो सोचिए, ऊपर वाले से शुक्रगुजार करिएगा कि आपको भारत में जन्म दिया है, और गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं। समझ पाए? तो बहुत कुछ है। चलिए, श्रीहरिकोटा आपको मालूम है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में है। कहाँ पर है? नेल्लोर जिला में पुलिकट झील पर। और यहाँ पर देखें, कुंभा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में। और श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला देखें, पानीपत युद्ध का मैदान हरियाणा में है। सांची का स्तूप कहाँ पर? विदिशा, मध्य प्रदेश में। और असम का पुराना नाम कामरूप है। खजुराहो मध्य प्रदेश में। चंदेल शासकों की जो राजधानी थी, पाटलिपुत्र हर्यक वंश का उदयन स्थापित किया था। गौड़ और प्राचीन काल में बंगाल को कहा जाता था। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ उत्तर प्रदेश के ऋषिपटनम में महात्मा ने पहला उपदेश दिया था। तो ये सब कल की बातें हो गई थी। अब यहाँ से हम आपको आगे की बात बताने जा रहे हैं बाबू, आगे की बात बताने जा रहे हैं। क्या क्या? अब हम लोग बात करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। किसके बारे में? राजा राम मोहन राय के बारे में। बहुत बड़ा नाम है बाबू। देखिए, राजा राम मोहन राय, सबसे पहले इनका नाम रहता है राम मोहन राय। इनसे पहले राजा की उपाधि दी जाती है अकबर द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय द्वारा। वही मुगल बादशाह था जो बहादुर शाह जफर द्वितीय का पप्पा है, अकबर द्वितीय। यही अकबर द्वितीय ने पता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था 1829-30 में। 1800 कितना? 29-30 में। और उपाधि इसलिए दिया था क्योंकि अंग्रेजों ने पता है अकबर द्वितीय का पेंशन बंद कर दिया था, और अकबर द्वितीय ने इसी पेंशन के बारे में बात करने के लिए इनको राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा। अभी कुछ देर के बाद बताएंगे इनके बारे में पूरा डिटेल। देखें, सबसे पहले तो इनका जन्म होता है बंगाल में, राधानगर में, 1773 में। और ये पता है ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं। गजब इंपॉर्टेंट बात है। आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, नव प्रभात का तारा कहते हैं, नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं। गजब, जितनी बातें लिखी गई ना सब के सब पूछी जाती है। आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। और राजा की उपाधि 1830 में अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। सती प्रथा अधिनियम, आपको मालूम है कि सती प्रथा बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। पता है किसी औरत का यदि उसका पति मर जाता था तो पहले जबरदस्ती उस औरत को उसकी चिता में जला दिया जाता था, क्योंकि ये गलत है, उस औरत बेचारी का क्या कसूर। लेकिन गजब समाज था, समाज के लोग कहते थे कि तुम्हारी वजह से ये मर गया। अरे, उनको मरना था, ससुर मर गए, उस बेचारी की क्या गलती है। लेकिन गांव वाले मिलके जबरदस्ती उस बेचारी को पता है अग्नि में झोंक देते थे कि चल तुम्हारे तुम्हारे वजह से वो मारा है। ऐसे कैसे किसी की वजह से कोई मरता है? कोई किसी के लिए नहीं मरता है, समझे? मन से पढ़ाई किया करो। चलो ध्यान से आगे की बात चलते हैं। सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1829 में अधिनियम 17 के द्वारा। लॉर्ड विलियम बैटिक ने समाप्त किया, लॉर्ड विलियम बैटिक ने समाप्त किया, और राजा राम मोहन राय की सहायता से। और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बैटिक। ये आता है 1828 से 1800 कितना 36 ईस्वी तक आता है। समझ पाए? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सती प्रथा को रोकने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, बहुत ज्यादा लोगों ने प्रयास किया। सबसे पहले समझिए सती प्रथा का उल्लेख जो होता है। देखिए, सती प्रथा को 1582 में अकबर ने रोकने का समाप्त किया, साहस जुटाया, समाप्त भी कर लिया। लेकिन नहीं यार, जब तक नियम नहीं बन के तैयार होगा ना, तब तक समाज में ये सब बुराइयां चलती रहेगी। अकबर कोशिश किया, उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक भी कोशिश किया। और पता है सती प्रथा का जो उल्लेख होता है मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें भानुगुप्त, एक भानुगुप्त राजा था, भानुगुप्त एक राजा था, उसका सेनापति था गोपराज।
और जब गोपराज युद्ध में मारा गया तो उसकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी, और इसका उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि सती प्रथा का जो उल्लेख होता है एरण अभिलेख में मिलता है भानुगुप्त द्वारा 510 ईस्वी में लिखवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया लेकिन बेचारा असफल रहा। तो बहुत प्रयास किया गया लेकिन जानते हैं बाबू सफलता तभी मिलती है जब कोई नियम बन जाता है। ऐसे पता है ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है अगला देखिए, पता है आत्मीय सभा 1829-30 में इनकी प्रथम सभा थी। पूछा जाता है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने फारसी भाषा में एक किताब लिखी थी उसका नाम था तूफात उल मुहाविदीन, तूफात उल मुहाविदीन। ये फारसी में लिखे थे और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा का। जैसे कुछ लोग विरोध करते हैं, विरोध नहीं करना चाहिए। यदि आप पूजा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं उससे भी अच्छी बात है, लेकिन हाँ कर्म जरूर करिए क्योंकि बिना कर्म का कुछ नहीं हो सकता है। समझ पाए? कर्म करना बहुत जरूरी है बाबू। ठीक है आगे चलते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध किया। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई ब्रिस्टल में, लंदन में मर गए। क्यों मर गए बाबू? इनको ठंड लग गई। ये भारत के एकमात्र समाज सुधारक है जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई है। आगे की बात चलते हैं कि पता है राजा राम मोहन राय देखिए इतना बेहतर काम किए, इनके भी विरोध में पैदा हो गया था। उसका नाम था राधाकांत देव। ये भी विरोध किया किसका? ब्रह्म समाज की। किसकी? ब्रह्म समाज की। आगे चलते हैं देखिए ब्रह्म समाज क्या होता है आपके सामने खुद आएगा बाबू। देखिए देखिए कहा जाता है गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस इनकी पुस्तक है और ये पुस्तक राजा राम मोहन राय ने 1820 में लिखी। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। पूछा जाता है और ब्रह्म समाज कहाँ पर स्थापित होता है तो सारी कोलकाता में, और ये महिला उद्धार से संबंधित है। किससे? महिला उद्धार से संबंधित है और ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी है। कैसा है? एकेश्वरवादी। तो परीक्षा पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में। महिलाओं के उद्धार से संबंधित है और ये कोलकाता में स्थापित होता है राजा राम मोहन राय की सहायता से और राजा राम मोहन राय द्वारा ही। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है लंदन के ब्रिस्टल में। लंदन के कहाँ पर बाबू? ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलते हैं वंदे मातरम। देखिए पता है राष्ट्रीय जो गीत है भारत का वंदे मातरम, आपको मालूम है कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वलम शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, यही है वंदे मातरम। वंदे मातरम संस्कृत भाषा में है, इसे 65 सेकंड में गाते हैं। इसका जो गाने का राग है उसका नाम है कहरवा है। इसमें दो पद है, कितने पद हैं? दो पद हैं। इसके लेखक का नाम है बंकिम चंद चटर्जी। 1876 में आनंद मठ उपन्यास में लिखे और 1882 में प्रकाशित। जैसे समझिए पूछेगा कि थे वो क्या है तो बताएंगे वंदे मातरम। किसने लिखा है? बंकिम चंद चटर्जी। कौन से उपन्यास से? आनंद मठ उपन्यास से। कब लिखे? 1876 में। कब प्रकाशित किए? 1882 में। कौन सी भाषा में है? संस्कृत में है। इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। कौन सा राग है? कहरवा राग है। कौन सा राग है? कहरवा राग है। और इसे पहली बार कब गाया गया? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। देखिए 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष का नाम था रहीम। राष्ट्रगीत को सबसे पहले किसने गाया? ओंकार नाथ ठाकुर ने। और इसकी धुन किसने बनाई है? यदुनाथ भट्टाचार्य। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया अरविंद घोष साहब ने और इसका उर्दू में मोहम्मद ने। और वंदे मातरम की प्रेरणा ये अथर्ववेद से, जिसमें जादू टोना वाला मामला है। और ये वंदे मातरम का अर्थ होता है नमस्कार प्रणाम या सम्मान होता है। और इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा बाबू 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? अपना दिया गया। तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा यदि आपसे राष्ट्रगीत से बारे में पूछता है तो। आगे की बात देखिए, पता है राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम है हाथी। क्या नाम है बाबू? राष्ट्रीय विरासत पशु यदि पूछता है तो बताएंगे क्या? बताएंगे हाथी। और ये
22 अक्टूबर 2010 में घोषित होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में पारित हुआ, गैंडा संरक्षण अधिनियम 1996 में पारित हुआ, टाइगर संरक्षण अधिनियम 1973 में पारित हुआ, घड़ियाल संरक्षण अधिनियम 1976 में पारित हुआ और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित होता है, और जैव विविधता अधिनियम जो पारित होता है 2002 में पारित होता है। और हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। पता है महाभारत, पता है जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय इंद्र को एक हाथी दी गई थी, उस हाथी का नाम था एरावत, समुद्र मंथन के दौरान मिली थी इंद्र को, जिनको वर्षा का भी देवता कहते हैं। पता है केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड, इसका राजकीय चिन्ह भी क्या है? हाथी है। और हाथी मेरे साथी कार्यक्रम की शुरुआत होती 2011 में दिल्ली में। तो बस यही पूछेगा कि राष्ट्रीय विरासत हाथी है और हाथी संरक्षण अधिनियम का पारित होता है 1992 में। समझ पाए? अगला पॉइंट लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा छोटा लिखा गया होगा, बट कोई बात नहीं, हम इसको बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं बाबू, बड़ा करके समझाने की कोशिश करते हैं, दिख भी रहा होगा। ठीक है, पता है राष्ट्रगान क्या बाबू? राष्ट्रगान, राष्ट्रगान की सबसे बड़ी खासियत, इसके लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, 1912 में साहब लिखते हैं, ये बंगला भाषा में है और तत्व बोधनी पत्रिका से प्रकाशित होता है, जिसका शीर्षक होता है भारत भाग्य विधाता। इसे 52 सेकेंड में गाते हैं और पहली और अंतिम लाइन को 20 सेकेंड में गाते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सब लिख दी गई है, और इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 में गाया गया, और गाने वाली पहली संविधान सभा ने इसे अपनाया था। और पता है इसे 11 दिसंबर 1911 में लिखा गया था और 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित बिशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में गाया गया था, और गाने वाली महिला थी सरला देवी चौधरानी। क्या नाम था? सरला देवी चौधरानी। राष्ट्रगान का जो धुन है कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार किया है, इसमें सबसे पहले पंजाब का नाम आता है और सबसे लास्ट में बंगाल का नाम आता है, क्योंकि पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, यानी कि बंगाल का आता है, और इसमें टोटल 5 राज्यों का जिक्र है। कितने राज्यों का जिक्र है बाबू? 5 राज्यों का जिक्र है। आगे की बात देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि सरला देवी चौधरानी ने इसको गाई थी। अगला देखिए, इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था 1919 में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और शीर्षक का नाम था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। संसद की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है और समापन वंदे मातरम से होती है, लेकिन आकाशवाणी की जो शुरुआत होती है वंदे मातरम से ही होती है। समझ पाए? सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान पर, पता है सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान की जो शुरुआत होती है 1960 में होती है। पता है, आपको मालूम होना चाहिए कि सिनेमा हॉल में जब राष्ट्रगान बजता है तो बहुत से लोग हल्ला करते हैं, लेकिन राष्ट्रगान की सबसे बड़ी खासियत है कि आप मन करे तो गाइए, नहीं गा सकते हैं तो आप शांति से वहां पर रहिए। लेकिन क्या होता था कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बज रहा है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये फिल्म ऐसी थी, ये फिल्म ऐसी थी, हीरो ऐसे कर रहा था, हीरोइन ऐसे कर रही थी, पता है हल्ला करते थे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया, कह दिया कि नहीं, ये सब नहीं बजेगा क्योंकि अपमान है, बिल्कुल सरासर गलत है, नहीं बजना चाहिए। ठीक है, आगे की बात जो होती है बाबू, पता है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में होता है और मृत्यु 1941 में होती है। इनको कवि गुरु या विश्व कहा जाता है। ये शांति निकेतन के संस्थापक है और 1913 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में है, चाहेंगे तो आप चुप रह सकते हैं, चाहेंगे तो आप राष्ट्रगान को गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीएस का हम लोग का पार्ट 2 रहा। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कल इसका तीसरा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा और कल से लाइव क्लास भी 8 बजे चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि लाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, अब धीरे धीरे सही हो गई है। तो कल फिर हम लोग 8 बजे मिलेंगे लाइव, ठीक है, शाम को। जय हिंद।